ऑटो एक्सपो 2020 के स्टार्ट होते ही जैसे एक से बढ़कर एक कॉन्सेप्ट कार्स की झड़ी सी लगी हुई है। लगभग सारे कार मैन्युफैक्चरर्स अपने अपने कार्स के साथ सामने आ रहे हैं और ये सिलसिला अब तक थमा नहीं है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रेनॉल्ट ने भी कुछ अलग करने की कोशिश की है अपने नए रेनॉल्ट मॉर्फोज के साथ। तो आखिर इस कार में क्या खास बातें हैं, चलिए देखते हैं। मैं हूं शुभम गुप्ता एंड यू गाइस आर वॉचिंग द ट्रेंडिंग टेक। रेनॉल्ट ने अपनी नई सेफ शिफ्टिंग कॉन्सेप्ट कार मॉर्फोज को अनवेल कर दिया है, जिसे जेनेवा मोटर शो 2020 में ही अनवेल किया जाना था, बट कोरोना वायरस की वजह से इस शो को कैंसिल करना पड़ा। ये कॉन्सेप्ट कार एक अडेप्टेबल कॉमन मॉड्यूल फैमिली इलेक्ट्रिक व्हीकल मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है, जो कि इस तरह से डिज़ाइन की गई है कि ज़रूरत पड़ने पर ये अपने व्हील्स को कॉर्नर पर शिफ्ट करके आपको और भी ज़्यादा स्पेस प्रोवाइड कर सके। ऑटो एक्सपो में हमने बहुत से ईवीज देखे थे, कुछ बहुत ही मॉडर्न तो कुछ बहुत ही कॉम्पैक्ट, बट रेनॉल्ट मॉर्फोज कुछ अलग है। इस कॉन्सेप्ट कार को दो मोड्स में यूज़ किया जा सकता है, जिसमें पहला है सिटी मोड और दूसरा है ट्रैवल मोड। सिटी मोड में ये 40 किलोवाट आर की बैटरी के साथ 400 किलोमीटर तक का रेंज प्रोवाइड करती है और रेनॉल्ट का मानना है कि ये रेंज 90% ऑफ डेली यूसेज के लिए काफ़ी है। अब लंबे जर्नीज के लिए हम मॉर्फोज को ट्रैवल मोड पर स्विच कर सकते हैं। ये कुछ स्पेशल एक्सटेंशंस का यूज़ करते हैं जो कि ठीक वैसी ही टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है जैसा एक प्लेन के विंग्स को स्ट्रेच करने के लिए किया जाता है। ये एक्सटेंशन इसकी लेंथ को 4400 mm से बढ़ाकर 4800 mm तक कर देते हैं और इसके व्हील बेस को 2730 mm से बढ़ाकर 2930 mm तक कर देते हैं, जिससे हमें और भी पैसेंजर्स और लगेज के लिए स्पेस मिल जाता है। मॉर्फोज की स्टाइलिंग रेनॉल्ट के फ्यूचर डिज़ाइन ट्रेंड्स को शोकेस करती है। इसमें रेनॉल्ट के सिग्नेचर स्लिम लाइट्स दिए गए हैं जो कि इसके ग्रिल के अक्रॉस स्वीप किए गए हैं, और ट्रैवल मोड पर इसे ज़्यादा एफिशिएंसी प्रोवाइड करने के लिए इसके फ्रंट एयर इनटेक्स और नैरो हो जाते हैं। इंटीरियर में इसके ट्रेडिशनल कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट्स को एक फोल्डिंग पैनल के अंदर हाइड किया गया है और इसके ज़्यादातर कंट्रोल्स एक एल शेप के स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए हैं। इसके स्टीयरिंग व्हील पे एक 10.2 इंचेस का स्क्रीन भी दिया गया है, जिससे कार के कई सारे फंक्शंस कंट्रोल किए जा सकते हैं। ये फुली सेल्फ ड्रिवन तो नहीं है, बट ये लेवल 3 ऑटोनोमस ड्राइविंग के साथ आते हैं, मतलब कि कुछ कंडीशंस में आप इसे सेल्फ ड्राइविंग मोड पर छोड़ सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर कुछ सेकेंड्स में ही वापस कंट्रोल अपने हाथों में भी ले सकते हैं। तो उम्मीद है रेनॉल्ट के इस नए और अट्रैक्टिव कॉन्सेप्ट कार ने आपका भी अट्रैक्शन गेन किया होगा। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही और भी कूल और अमेजिंग अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।